यहाँ पे फाइनल ही एक लास्ट काम बाकी है, तो वहाँ पे फिनिश कर लेते हैं फिर जाते हैं। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मेरी दिखो रहा, आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल हरी मधुर लाइफस्टाइल में। अभी मॉर्निंग का टाइम है तो ऑलमोस्ट देखिए अभी अभी मेरी यहाँ पे माता रानी की पूजा हो गई है और हेमल अभी सो रहे हैं, बिकॉज अभी 9:30 का टाइम है, 9:30 और 10 भी नहीं बजे, उसके बीच का टाइम है। तो देखिए यहाँ पे माता रानी की पूजा हो गई है, देखिए सुबह सुबह। तो चलिए अब हमारा डेली रूटीन की कंटिन्यू करती हूँ, सब कुछ काम में पहले सब कुछ करती हूँ, फिर लंच बनाऊंगी और उसके बाद हम उठेंगे तो उससे ही पूछेंगे कि अब आगे आगे हम लोगों को क्या आज काम है। वैसे कल तो हम लोग मार्केट गए थे तो थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, तो अब देखते हैं आज भी मार्केट जाएंगे तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए अभी फिलहाल मैं थोड़ा बहुत जो काम है वो फिनिश करती हूँ और उसके बाद देखते हैं कि आगे आगे क्या करें। हाँ गाइस, एक बात बताना ही भूल गई, 2 व्लॉग पहले मैंने एक व्लॉग में पूछा था कि किसकी शादी है कमेंट करके बताना, तो उसका नाम मैं वीडियो में लूंगी। तो बहुत सारी कमेंट आई है और सबने सही आंसर दिया है, तो लंच करने के बाद मैं सोच रही हूँ कि जितने लोगों ने मुझे कमेंट की ना उन सबके नाम मैंने पूरा लिस्ट बना के रखा है, इसीलिए मैंने उसे रिप्लाई भी नहीं दिया है, कुछ नहीं किया है, बिकॉज सबके नाम मैं इकट्ठा ही लेना चाहती थी, सबके साथ में नाम लेंगे तो अच्छा लगेगा। तो पूरे के पूरे सारे के सारे नाम हम लोग लेंगे आज, बट लंच करने के बाद, अभी तो जल्दी जल्दी से सब कुछ काम फिनिश करती हूँ। सो गाइस, बेडरूम की क्लीनिंग भी हो गई है और ऊपर सारा काम हो गया है, अब चलती हूँ मैं नीचे किचन में। और आज मैंने मेन्यू बनाया है खाने के लिए, वो ग्रीन सब्जी आती है ना जो मेथी की, वो सब्जी बनाऊंगी और दाल चावल और बाजरे का रोटला। और देखते हैं, मैं सोच रही हूँ कि बटेटा वड़ा बनाऊं, तो अगर बनाऊंगी तो थोड़ा बहुत उसकी झलक आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से, वैसे तो सिंपल ही वो बन जाता है बट अभी तक डिसाइड नहीं है। और हेमल गए हैं फ्रेश होने के लिए, तो वो भी फ्रेश होकर निकलते हैं तो उनसे भी आप लोगों को मिलवाती हूँ। सो चलिए अभी चलती हूँ मैं नीचे किचन में। सो गाइस, मेरा लंच अभी आधा अधूरा बना है और हेमल फ्रेश होके हो गए हैं रेडी मार्केट का काम फिनिश करने के लिए, तो मैंने लंच में ब्रेक लगा दी है बिकॉज अभी लंच बन जाएगा और हेमल आएंगे नहीं तो फिर ठंडा खाना खाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि जब हेमल आते हैं ना उसके बाद ही बाजरी का रोटला बनाती हूँ। तो हेमल भी देखिए यहाँ पे रेडी हो गए हैं। हाय हेमल, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। हाय, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। तो आप जा रहे हैं मार्केट? मैं जा रहा हूँ मार्केट। तो बाय बाय और जल्दी आना, ठीक है? सब कुछ लंच बन के रेडी है, मुझे सिर्फ सब्जी बनानी बाकी है, वो अभी मैं जा रही हूँ बनाने और बाजरे का रोटला बनाना बाकी है। सो अभी 12:30 तो बच गए है, तो हो सके तो 1:35 के या 30 मिनट के आसपास प्लीज आ जाना। हाँ, कोई बात नहीं, मेरा बोलूंगी 1 बजे ही आ जाना। आ जाऊंगा। काम खत्म हो, हाँ जल्दी आ जाना, आज मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत ज्यादा मुझे भूख लगी है, ठीक है तो जल्दी आ जाना। चलिए गाइस, तो हम जा रहे हैं मार्केट, अभी पहुंचने वाले हैं और ट्रैफिक देखिए यहाँ पर, आते ही ट्रैफिक स्टार्ट हो गई। अरे यार, मार्केट में एंटर होते ही ट्रैफिक स्टार्ट हो गई, अब क्या करें? ओ ये क्या, यहाँ पे हमें जाना है यहाँ पे, और रास्ता देखिए बंद है यहाँ पर, चलो घूम के जाते हैं यहाँ से। तो चलिए गाइस, यहाँ पे काम फिनिश एक हो गया है, अभी जाना है मुझे दूसरी जगह पे, सिम कार्ड का काम है तो वहाँ पे जाके फिनिश कर लेते हैं। लो जी, आ गया फाइनली, हमें जो कुछ भी चाहिए वो यहाँ से मिल जाएगा। सो चलिए गाइस, यहाँ पे तो काम फिनिश नहीं हुआ है, अभी दूसरी जगह पे जाते हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ पे दूसरी जगह पे पहुँच गए हैं और देखते हैं यहाँ पे काम फिनिश हो जाता है तो। मुझे ना न्यू सिम कार्ड का काम है, जो प्लान चाहिए मुझे वो मिल जाए तो ठीक है, वरना दूसरी जगह पे जाते हैं। देखिए यहाँ पे जाएंगे। You know, that will never...
चलिए गाइस, तो फाइनली हमारा काम यहाँ पे फिनिश हो गया। जो मुझे प्लान चाहिए था सिम कार्ड में वो मिल चुका है मुझे। चलिए यहाँ से चलते हैं अब दूसरी जगह पे। थोड़ा बहुत एक काम बाकी रह गया, फिर जाते हैं वापस घर पे। चलिए तो यहाँ पे फाइनल ही एक लास्ट काम बाकी है, तो वहाँ पे फिनिश कर लेते हैं फिर जाते हैं घर पे। चलिए गाइस, तो फाइनली हो गए हमारा काम पूरा का पूरा फिनिश। अब सीधा चलते हैं घर पे। तो फाइनली पहुंच गए हैं घर पे। रिट्स कहाँ गए? रिट्स कहाँ है? अंदर रूम पर है, मैं शूज निकाल रहा हूँ। रिट्स यहाँ पे आ गए। हाय, क्या कर रही हो? साफ सफाई? कोई बात नहीं, मेरा सामान सब कुछ जो कुछ भी मेरा काम था वो सब फिनिश हो गया है। सिम कार्ड का काम था, दूसरा 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। भूख लगी है, खाना है कि नहीं खाना है? मुझे खाना है, जल्दी से खाना। हाँ, तो चलिए बैठे। क्या बाकी है? बाजरे का रोटला। ओके, एक ही बाकी है ना? एक ही बाकी। चलो फटाफट से बना दो, फिर लंच कर लेते हैं। गाइस, हम लोग बैठ गए हैं लंच करने के लिए और मेरी प्लेट भी यहाँ पे एकदम से रेडी है। सो चलिए आप लोगों को पहले दिखाती हूँ कि मैंने लंच में आज क्या क्या बनाया है। सो देखिए, यहाँ पे हमारी प्लेट एकदम से रेडी है। देखिए यहाँ पे है चावल और उसके साथ यहाँ पे है दाल, और आज मैंने हरी सब्जी बनाई थी मेथी की, और उसके साथ बाजरी का रोटला, और देखिए यहाँ पे ग्रीन ग्रीन चटनी, और यहाँ पे देखिए मक्खन वाला कर्ड, बटर मिल्क बोल दिया मैंने कर्ड। और मैंने आज आलू बॉइल किए थे, क्योंकि चटनी की ये ग्रीन ग्रीन चटनी के साथ बहुत अच्छा लगते है। सो बस आज इतना ही हम लोगों का लंच है। सो चलिए अब हम लोग कर लेते हैं लंच। और दूसरी चीजें तो टमाटर वगैरह तो सब रहते ही है, अमरूद है, टमाटर है, बटर मिल्क है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सब हम लोग जल जल से लंच करते हैं। बहुत ज्यादा भूख लगी है हम लोगों को। A few moments later. So, hey guys, हमारा हो गया है लंच कम्प्लीट। हम लोगों ने लंच कर लिया है। और हाँ गाइज, जैसा कि मैंने सुबह ही आप लोगों को बोला था कि लंच करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस किस ने सही आंसर दिया है और किन किन लोगों ने मुझे सही बताया है कि किसकी वेडिंग है, जैसा कि मैंने दो ब्लॉग पहले ही आंसर देने को बोला था। तो देखिए, एक कमेंट तो आई नहीं है, पूरा का पूरा मुझे लिस्ट बनाना पड़ा है, और 15 कमेंट आई है। हाँ, मैंने पूरे का पूरे नाम लिख के रखे है। तो चलिए जल्दी जल्दी से उन सबके नाम लेते हैं। और हाँ, जिन जिन लोगों ने मुझे कमेंट की है उन सबको दिल से थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए और सही आंसर देने के लिए। तो फाइनली केवल की ही शादी है, केवल और शिवानी की शादी है। सो चलिए अभी मैं नाम बोल देती हूँ। तो सबसे पहली कमेंट है रिद्धि पोस्टरिया, रमेश जुंगी, स्वाति जुंगी, विशाल मोतीवरस, निशा कोटिया, रमेश बादशाही, भरत कोटिया, पार्थ गुरुजी, अर्निंग, निशा जुंगी, भाविक जुंगी, आकाश, जिग्नाशा खोखरी, निशा बरिदुन, तेजल मोदी, और लास्ट में है रॉकस्टार। तो इन सब की कमेंट्स आई है, तो सबको दिल से थैंक यू। आप लोगों ने कमेंट तो की बट बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो ऐसे ही बस आप लोग कमेंट्स करते रहना, हम लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सो चलिए अब जो कुछ भी मेरा दूसरा सब कुछ काम बाकी है वो पहले जल्दी जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ मैं। सो है गाइस, गुड इवनिंग। तो लंच हो गया है हमारा कम्प्लीट, और लंच करने के बाद सब कुछ जो कुछ भी काम था वो भी सब फिनिश हो गया है। और अब मैं हो गई हूँ रेडी, और मैं जा रही हूँ अभी मार्केट, बिकॉज मुझे थोड़ा बहुत काम है। बट वो मैं किस लिए जा रही हूँ, क्या क्या कहाँ पे जाने वाले हैं, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में। फिलहाल हेमल अभी रेडी हो रहे हैं, तो हम दोनों जाने वाले हैं, और हमारे साथ कोई और भी आने वाला है, वो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा। सो नेक्स्ट ब्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल वेडिंग आने वाली है, तो बहुत धमाकेदार ब्लॉग्स आने वाले हैं।
तो वीडियोस देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज इससे भी ज्यादा अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों को आगे देखने को मिलेंगे। तो जिस लोगों ने चैनल को पहले तो सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिलहाल आज का व्लॉग अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पे भी फॉलो कर दीजिए। तो चलिए मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।